वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कढ़ी। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैंने एक को बॉईल कर लिया, आलू भी बॉईल कर लिया है, टमाटो प्यूरी, ऑनियन का मैंने कद्दूकस कर लिया है, दोनों मीडियम साइज़ का ऑनियन को मैंने कद्दूकस किया है। दही मैंने यहाँ पर 3 चम्मच लिया है, फेंट के रखा है। लहसुन अदरक और मिर्चा पेस्ट लिया है मैंने। इसके लिए मैं जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, सरसों का तेल और खड़े मसाले कुछ लगेंगे और कस्तूरी मेथी मैंने लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए मैंने गरम किया कढ़ाई को। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल दे दूँगी इसमें और नमक और हल्दी से इसके बाद इसको फ्राई कर लूँगी मैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक कढ़ी बनाऊंगी जो आप बहुत ही जल्दी आसानी से बना सकते हैं। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये टाइम हो गया है, अब मैं इसको निकाल दूँगी। इसके बाद मैं हल्का सा फ्राई कर लीजिए गोल्डन ब्राउन होने तक। और इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल और ऐड इसमें भी मैंने खड़े मसाले लिए हैं तो मुझे हल्का आप 10 मिनट तक ऑनियन को फ्राई कीजिए अच्छे से भून लीजिए ताकि इसका कच्चापन चल जाए। और इसमें मैं लहसुन पेस्ट अदरक ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा फ्राई कर कुछ देर के लिए इसको फ्राई कीजिए जब तक इसका कच्चापन ना चल जाए। इसके बाद इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। Thank you.
जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, सब मिला लूँ। जब तक इसका ऑयल ना निकल जाए तब तक इसको फ्राई कीजिए, अच्छे से भून लीजिए। और अच्छे से भून गया तो अच्छे से फ्राई कीजिए, जब तक इसका ऑयल ना निकल जा रहा है। और ऑयल जब देखिएगा साइड से निकला है, इसका मतलब मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ अभी। गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है, अब इसमें मैं दही ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। ढक्कन हटा हटा के हम देखेंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी इतना ही अच्छा है। आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। रेडी हो गया है एक करी, अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। रेडी हो गया है, देखिए आप, मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया है। आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।